सो हमारे पालकी के आश्रम प्रभु आए। मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद भी प्रवर दीन्हा। आज मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, यह मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मैं यह चाहता हूँ कि हृदय में ऐसा जानकर आप हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां मैं कुछ काल निवास कर सकूं। सुत सेत पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो शरण जग पालक हरत रुख पाए कृपा निधान। जग पे खन तुम देखन हारे, विधर शंभु न चावन हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और भला को जानन हारा। आप उससे स्थान पूछ रहे हैं, कोई स्थान बता दो जहां मैं रुकूं। परंतु प्रभु, मैं संसार में जहां भी देखता हूं, हर जगह आप विद्यमान हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर आप न हो, पर सामायिक स्थान मैं आपको बता रहा हूं। चित्रकूट गिरक्रह निवासु, जहां तुम्हारा सब भांत सुपासु। आप चित्रकूट में जाकर निवास करें, वही स्थान आपके लिए शुभ रहेगा। जा महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि आप चित्रकूट गिरिकरहु निवासो, तह तुम्हार सब भांत सुवासो, तो भगवान वहां 12 वर्ष तक निवास करते हैं। इसको उपरांत जब आगे चलते हैं पंचवटी नामक स्थान में, चले राम मुनि आय सुपाई, तुर तही पंचवटी नियराई। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कही छलहीना। दीनानाथ, मैं आपको प्रसन्न देख करके यह विचार कर रहा हूं कि मैं आपसे कुछ पूछूं। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मैं आपको अपना प्रभु मान करके आपसे कुछ पूछ रहा हूं। निवेदन है, मैं आपसे जो भी पूछूं कृपा करके आप मुझे समझा करके कहें। मुई समझाई कहूं सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। यदि आप मुझे सब कुछ समझा करके कहेंगे तो निश्चित ही सब कुछ छोड़ करके मैं आपके चरणों की सेवा करूंगा। मेरे प्रश्न कौन से हैं कृपालु, कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सुभगत करूं जिंदाया। माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, दीनानाथ ईश्वर जीव ही भेद प्रभु, सकल कहूं समझाई, जाते होए चरणरत शोक मोह भ्रम जाए। तुम्हारे द्वारा बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। तुम्हारे प्रश्न ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूं थोड़े ही शब्दों में। भैया लक्ष्मण, थोरे हुमा सब कहूं बुझाई, सुनहूं तात मति मन चित लाई। सोने का अंश यदि सोने से अलग किया जाए तो उसे सोना ही कहा जाएगा। चांदी का अंश यदि चांदी से अलग किया जाए तो उसे चांदी ही कहा जाएगा। पर ईश्वर का अंश ईश्वर क्यों नहीं, जीव क्यों हो गया? उसका कारण है लक्ष्मण, जिस समय ईश्वर का अंश इस संसार में आता है, माया मोह से ग्रसित हो जाता है। इसलिए ईश्वर का अंश ईश्वर नहीं, जीव हो जाता है। भैया, मैं अरुमोर तोर तय माया, जेही बस कीन्हे जीव निकाया। माया
माया के विषय में हमारे विद्वान ऐसा कहते हैं, लक्ष्मण मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया का संबंध है। माया इसे कहते हैं भैया, माया इसे कहते हैं भैया, माया इसे कहते हैं। तेही कर भेद सुनहु तुम शोभु, माया के दो भेद हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या। तेही कर भेद सुनहु तुम शोभु, विद्या अपर अविद्या दोहु, विद्या अपर अविद्या दोहु। बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाते, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल का, कही अतात सोई परम विरागी, प्रण समीत तीन गुण त्यागी। भैया लक्ष्मण, संसार में वही मेरे भक्त हैं, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निकाम, तिनके हृदय कमल महु करौं सदा विश्राम। जो मन वचन कर्म मन वाणी से मेरा भजन करते हैं, मैं उनके हृदय में निरंतर वास करता हूँ। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, सूप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा। हेलो, अरे ये तो पंचवटी आज बड़ी हरी भरी दिख रही है, लपक रही है, लपक रही है, लगता है यहाँ कोई आया है। सूप न खा रावण की बहनी, मैं सूप न खाऊ रावण की बहनी, सूप न खा रावण की बहनी। लेकिन मेरा भाई एक नंबर का क्रिमिनल है, क्रिमिनल गुंडा है लंका का, और मैं भी गुंडी न साधारण थोली। अपना परिचय बता दो। मैं सूप लखा। आगे क्या है, तुम्हारा हृदय कैसा है? दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी, मैं हूं मैं सूप लखा। अरे गोरे से काले पड़ गरे लहरिया लागो मोरे, गोरे से काले पड़ गरे लहरिया लागो मोरे, 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 गोरे से गोरे से काले से गोरे पड़ गरे। अरे जहां जहां बहू का पीसना वही ससुर की खाट, जहां बहू का पीसना वही ससुर की खाट, बहू बिचारी, बहू बिचारी
हाँ हाथों में मेरे चला पछे ही हाथों में मेरे चला पछे ही नैनों में छाई स्याही रे नैनों में छाई स्याही रे अरे पूरे मोहल्ला मोहल्ला होइगा नहीं बहुरिया आई रे हमारे लला दियो दियो रे लला हमारे लला हाँ जिसका मुझे इंतजार इसके लिए दिल था बेकरार वो गली आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है जीना है मुझको लेकिन मैं जिस घड़ी का इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई। अरे वाह बड़े हैंडसम बॉय पधारे हैं मैं पंचवटी में अगर मैं इस भेष में जाऊंगी तो ये मुझको लाइक नहीं करेंगे विद आउट कर देंगे तो मैं जा रही हूं सुंदर सा रूप बना के आऊंगी फिर इनसे बातें करूंगी जीत बात करूंगी चलती हूं तुरंत रूप बना के आती हूं। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई बोली बचन बहुत मुस्काई। और भाई दुर्जा प्रजापति बना लिया है अब मैं जाती हूँ और इनके पास में जाती हूँ इनसे बातें करती हूँ। अब मैंने क्योंकि सुंदर रूप बना लिया है अब मुझसे ये बातें करेंगे अभी तक बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने सुंदर रूप नहीं बनाया था। हो प्यारी भरे गीतों का मौसम अर लेकर आएगी तेरे मतबा छेड़ मिलन देगी हो छेड़ मिलन देगी तेरे मतबा छेड़ मिलन पास में और इनसे बातें करती हूं जाकर हित बसी राजकुमार ये हाथ में धुनिया लेकर मस्तक पर चंदन लगाकर आप कौन हैं और कहां से आए हैं और क्या नाम है आपका। देवी जी हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। हमें कुछ काल हुए इस पंचवटी में निवास बनाए हुए लेकिन हमने आज तक यहाँ किसी को विचरण करते नहीं देखा। बड़ा आश्चर्य हो रहा है आप इस वन में स्वच्छंद विचरण कर रही हैं। देवी आप कौन हैं और हमारे पास आने का क्या प्रयोजन है। आप जानना चाहती हैं? अवश्य देवी। मैं कौन हूँ अरे क्या नाम है हमारा और यहाँ किस कारण से आई हूँ। तो तपस्वी राजकुमार मैं लंकापति लंकापति रावण की बहन हूँ शूर्पणखा और किस कारण से आई हूँ वो भी आपको बताती हूँ। अगर जानना चाहते हैं आप कि किस कारण से मैं आई हूँ
तो कारण जानी है आप राजकुमार। देखा हम दोनों का स्वरूप, ये विधि ने विचार कर रख गए, ये चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज तैयार कर रख गए। देती हूँ वनवासी ये आसर, आसर आसर देती हूँ वनवासी, ये शिष्टा का पुरुष आगे करो, मैं तुमसे मिलती आपसे आज्ञा तो कह नहीं सकती हूँ, मैं तो से विनती करती हूँ, अरे मुझसे गंधर्व विवाह करो। देखा है तो मुझे ऐसा लगा है, अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यही संयोग विधि राजा विचारी। मनमाना हरी मनमाना, मनमाना 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 कछु तुम ही निहारी, मनमाना कछु तुम ही निहारी, तात अब लग रही तुम्हारी। तात अब लग रही तुम्हारी। राजकुमार जी आप जान गए किस कारण से आई हूं। आप हमसे गंधर्व विवाह करने के लिए आई हैं। राजकुमार जी देवी जी हमारा विवाह हो चुका है। क्या कह रहे हैं? यह मेरी भार्या सीता, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझते हैं। हम आपसे विवाह तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक मार्ग अवश्य बताते हैं। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा अनुज लक्ष्मण है, तुम कुमारी हो, वह भी कुमार है। अच्छा, देखिए राजकुमार जी, आपने कहा कि हमारा अनुज लक्ष्मण बेटा है, वहां चली जाओ, वहां कार हो जाएगा। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने एक मार्ग बताया, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वहां जाकर अपना प्रस्ताव रख सकती है। आप ही कर लीजिए ना देवी जी, हम नहीं विवाह कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है। हे देवी, सिया संग नाता जोड़ा, देवी जी हमारा विवाह हो चुका है और हम क्षत्रिय अपने हृदय में जो भी संकल्प लेते हैं उसे कभी नहीं तोड़ते। राजकुमार जी, अति एव तुम्हारी ये आज्ञा, पालन कर सकते कभी नहीं। क्यों? हम आर्य पुरुष हैं,
धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। देख रहे सिया संग नाता जोड़ा अच्छा। हो सिया संग नाता जोड़ा तो हो गई मेरी शादी मुझसे शादी करने में वो भी तेरी बर्बादी मुझसे शादी करने में वो भी तेरी बर्बादी हो हम तो दिल दे ही चुके हो हम तो दिल दे ही चुके बस तेरी आह बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी मेरी जान की है व्यर्थ की बात करो ना खैर नहीं जान की है कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में बस गया तू ही तू अब तो मेरी नजर में मेरे तन और मन में बसी मेरी जान की है व्यर्थ की बात करो ना खैर नहीं जान की है सिया संग नाता जोड़ा हो सिया संग नाता जोड़ा हो गई मेरी शादी की बात करो ना हो भी तेरी बर्बादी शादी की बात करो ना तेरी बर्बादी संग नाता देवी जी हमारा विवाह हो चुका है इसलिए हम आपको यह मार्ग ही बता सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो आप मेरे लक्ष्मण के पास जा सकती हैं। देखी नहीं कर रहे तो क्या हुआ जाती हूँ वहां पर देखती हूँ जाकर कहा गया कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है कोशिश करते रहो जाती हूँ मैं उनके पास में और उनसे बातें करती हूँ जाकर क्योंकि मुझे जिससे बरसों को इंतजार था वो लगता है घड़ी आ गई है आज हो के मानेगी मेरी शादी और श्री रामफल प्रजापति जी उनकी तरफ से यह 251 रामलीला कमेटी को सहयोग राशि प्रदान हुई है बहुत बहुत धन्यवाद इनके पास में और इनसे जाकर क्योंकि लगता है मुझे जिससे बरसों से इंतजार था मेरी शादी का वो आज शादी हो जाएगी मेरी लगता है और जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार और वो घड़ी आ गई यारा प्यार में हद से गुजर जाना है जीना है मुझको या मर जाना है प्यार में हद से गुजर जाना है जीना है मुझको या मर जाना है
दीवानी वो क्या जाने, ओ दीवानी ओ मस्ताने, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। किया है जवादा बगी कर आएगा, वो घड़ी आ गई यारा, प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है मुझको या मर जाना है, प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है मुझको या मर जाना है। मैं जाती हूँ इनके पास में, ये तपस्वी राजकुमार कहे देवी बा कितना प्यारा बोलते हैं, देवी के आगे श्री लगा तो मजा आ जाएगा। कहें श्री देवी कहो तो हम आपके चरण। अरे नहीं नहीं बस, कितना सम्मान चाहिए आपको? इतनी बात मान गए और थोड़ा मान जाओ तो मजा आ जाए। हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, केवल सारी बातें मानेंगे। हमारी सारी बातें मानेंगे, हमारी सारी बात मानेंगे, सारी बातें मानेंगे, जो कहोगी वह मानेंगे। बताओ तो सुने राजकुमार, सारी बातें मानेंगे तो। अरे पद में बोल लो थोड़ी देर, गद्य में नहीं, पद्दी में गद्दी में सब हो जाएगा, थोड़ा पद रहने दो, बोल लो। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं सारी बात मानेंगे तो शुरुआत सीधे चालू कर दिया जाए। हे वनवासी वनवासी राजकुमार, अरे क्यों मंद मंद मुस्काते हो, वो तो है व्याहे तू ले किल, तुम नारी विहीन दिखाते हो, जवाब कुरकुरा नहीं, क्योंकि अरे तो बना बनो मैं वनी बनू, तो बना बनो मैं वनी बनू, ये जोड़ा कुछ भी पूरा नहीं, तो बना बनो मैं वनी बनू, तो बना बनो मैं वनी बनू, ये जोड़ा कुछ भी जी। तुम बना बनू मैं बनी बनू, ये जोड़ा कुछ बुरा नहीं। देवी आप समझ गए, आप कह रहे हैं सारी बात मानेंगे, आवश्यकता से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता। अरे चाहे जो हो, अगर आवश्यकता से अधिक भोजन खिला दिया जाए तो वो अपच हो जाता है, ठीक है, वो पचता नहीं है। आप ही तो कह रहे हैं सारी बात मानेंगे आपकी, अब हमारी भी सुन लो, उतनी देर से बोल रही हूं। तुम्हारी जो इच्छा है ये तुम्हारी बात बस नहीं है, तुम्हारी इच्छा ये कि हम तुमसे विवाह कर लें। हमने इतनी बड़ी जटाएं तुमसे विवाह करने के लिए रखी हैं। हम यहाँ जंगल में आए हैं, हमारा वनवासी स्वरूप है, तो विवाह करने के लिए तो हमने यह स्वरूप धारण नहीं किया होगा। अच्छा कहाँ की हो तुम? मैं लंका की हूँ। लंका की हूँ, किसके परिवार से हो? मेरे भाई का रावण नाम है, लंकापति रावण की बहन हूँ। अच्छा रावण, रावण के परिवार की हो? जी। नहीं बड़ा अच्छा कुल है तुम्हारा, तभी है ये आचरण है तुम्हारे, ये वहीं से दिखाई दे रहे हैं। भाई रावण ने बहुत सारे विवाह किए, अब भाई ने इतने किए हैं तो बहन को तो करने चाहिए, और तुम्हारे बाबा ने तीन किए, तुम्हारे भाई ने बहुत किए, तुम कितने करना चाहती हो? मैं सिर्फ आपसे करना चाहती हूँ। देखो झूठ ना बोलो,
झूठ बोल रही हो, कह रही हो तुम भी उनकी तरह कुछ उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बनी बनू, इसका मतलब तुम उससे पहले मेरे भैया के पास गई थी। झूठ बोलने से बात और बिगड़ जाती है देवी, अगर प्रेम प्रस्ताव रखो तो झूठ के सहारे नहीं सत्य का सहारा लेकर के रखो। ये कहो कि गई थी, मना कर दिया। हाँ मना ही कर दिया है ये सोच, फिर यहाँ से भी मना है, नहीं करेंगे मेरे भैया के पास, वही तुमसे विवाह करेंगे देवी। आप नहीं करेंगे? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सेवक हैं और सेवक सुच्चह मान भिखारी, अगर सेवक यह सोचे कि उसे सुख मिले तो ये संभव नहीं है। देवी ये लो यंत्र और मेरे भैया के पास आ, उन्हीं के पास में जाऊं फिर से। हो राम जी बड़ा दुखी दीना तुम्हारे लखने, बड़ा दुखी दीना तुम्हारे लखने, बड़ा दुखी दीना। हो राम जी बड़ा दुखी दीना तुम्हारे लखने, बड़ा दुखी दीना। मेरी सुति बिसराई मेरी नींदी चुराई, मेरी सुति बिसराई मेरी नींदी चुराई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुखी दीना तुम्हारे लखने, बड़ा दुखी दीना। कि लक्ष्मण ने बड़ा दुख दिया, हाँ। लेकिन हमने ऐसा सुना है काहू न को सुख दुख कर दाता, कोई किसी के सुख और दुख का साथी नहीं, हमारे पास आने का क्या कारण है? उन्होंने तो अब कह मना कर दिया, भगा दिया, तो हमारे पास क्यों आई हैं? अब आप ही कर लो, हम तो विवाह नहीं कर सकते। क्यों? हमने प्रथम में ही आपसे यह बताया था कि हम क्षत्रिय अपने जीवन में जो व्रत लेते हैं उसको कभी नहीं तोड़ते, और हमने ऐसा व्रत लिया है कि मैं एक नारी व्रत धारी रहूंगा। अगर तुम विवाह करना चाहती हो तो एक बार और प्रयास कर सकती हो लक्ष्मण के पास। आप नहीं करेंगे तो फिर से जाना पड़ेगा। देखो मैंने शुरू में कहा था कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहो कभी में कोई हो ही जाएगी। बहुर पठाई लक्ष्मण कहा, हे राजकुमार जी तो ही जो बरई जो त्रंतोर लाज परिहरई, ऐ सूप नखा तुझको लज्जा नहीं आती है, ऐ सूप नखा यू बातों से तुझको लाज ना आती है, ये सब कहने से पहले ऐ दुष्टा मर क्यों नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की, है दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई ऐसी लड़की,
यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो कह दे जाकर अपने भाई से, वो कर देगा ठौर कहीं तेरा। यदि हो गया विवाह तेरा तो जा निज पत की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। पंचवटी में दिखाई न देना नारियों इस कारण से छोड़ना। इतनी तेज बोल के बच्ची की जान लोगी क्या? बच्ची आज मुझे लगता है ऐसे कार नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहा गया है कभी सीधी उंगली से घी निकला ही नहीं है, उसको तेजी करनी पड़ी है। अब मुझे अपने असली रूप में आना चाहिए क्योंकि ऐसे ये लोग नहीं मानेंगे। उसको बता दिए है मैच का फुटबॉल बना लिया है, यहाँ से मारती तो वहाँ जाती हूँ, वहाँ से मारती तो वहाँ जाती हूँ। चलना चाहिए मुझको अपने असली रूप में। चल मेरी माई तब किसान राम कह गई रूप भयंकर प्रगटत भई। क्या बाबू आप शादी करोगे? तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो अभी आई थी झमझमा पहन के, ठेला सजी थी मैं। अब वही हो तुम? वही हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की। क्यों? पहले तुमको इस रूप में आना चाहिए था, अगर पहले इस रूप में आती तो न जाने कब विवाह हो जाता हमारा तुम्हारा। हमको क्या पता, अब इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं हेमा मालिन बन के आऊंगी तो तुम मुझे फुटबॉल की तरह चिपकाओगे। बड़ा गंदा स्वरूप बनाया था तुमने, बहुत बेकार था। पीला था क्या? बहुत पीला था। लेकिन अब विवाह करोगे? अरे अब विवाह की बात छोड़ो, जयमाल लाऊं क्या? नहीं, जयमाल की आवश्यकता नहीं है। कौन सा विवाह करोगे? हम तुम्हारे साथ बताओ कौन द्वारा कर ले, जैसी आपकी इच्छा हो। लेकिन बता दो कौन वाला कर ले। तुम हमारे राव, हम तुम्हारे राई, जयमाला। अच्छा, जयमाला वाला विवाह करोगे? हाँ। देखो उस विवाह से पहले हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। जयमाला से पहले श्रृंगार किया जाता है कि नहीं? हाँ, मुझको आओ, इधर आओ, आओ तुमको हम बनाए। हेमा मालिन मुझे बना दो, हेमा मालिन। अरे तुम उससे भी ज्यादा सुंदर हो, क्या बात करती हो, इसमें बैठो। नहीं नहीं नहीं, स्वामी खड़े हो और स्वामी बैठ जाएं। अरे स्वामी अगर आदेश दे तो। हे जगन्नाथम घोर अनर्थ। इधर आ, इधर आ जगन्नाथम, इसमें बैठो। मेकअप करोगे क्या मेरा? हाँ श्रृंगार करेंगे, तुम्हारी भाषा में जो हो वो सो हो। दुकान आ खोले हैं ब्यूटी पार्लर गैरेज। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे प्रेम में हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। कजरा मोह बतवाला। बैठो बैठो चलो। मैं होशियार हूँ। काफी लंका की होशियार है ये, बैठ जाओ। आओ ये लाओ अस्त्र हमें दे दो। ये स्वामी मैं अभी बैठती हूँ। हमें लग रहा है लंका की छत में बैठती रही होगी तुम। नीचे बैठो इसमें, आ नीचे। स्वामी कुछ करा से हो? नहीं, यहाँ श्रृंगार करेंगे। आंखें बंद करो, आंखें बंद निकल जाएगा। आंखें मैला करा पाई हो आंखें बंद करके। काहे? कुछ कुछ होता है। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पक्का? थोड़ा सा दर्द होगा केवल, थोड़ा सा नहीं। अरे आंख में कहीं लग गया काजल लगाने में तो फिर दर्द तो होगा ही, इसलिए शांति से बैठो, आंखें बंद कर लीजिए। फिर कहां से शुरू करोगे श्रृंगार मेरा? यहीं से ऊपर से। बंद करो आंखें, मेरा खोमड़ बिगाड़ने में लग गया। लक्ष्मण अति लाघव नाक काने दी तीन, ताके कर रावण आए कर दूसरे भैया। हर दूस कर दूसरे भैया, नाक कान बिन भई बिकरा राजन, सर्व शैल के रुके धारा। कर दूसन बह गई बिल पात, धिक धिक तौ पौरुष बल भ्राता। और भाई देखें।